देश में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रही महाराष्ट्र में 1 मई से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग सकता है। राज्य में वैक्सीनेशन की संभावना नजर नहीं आ रही है। देश में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीनेशन की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में 18 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 मई को वैक्सीन जरूरत के अनुसार उपलब्ध होना जरूरी है, तभी 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना संभव होगा। मैं ये बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि जो ओरली जो चर्चा होती है वो ओरली होती है। चर्चा जरूर ऐसी हुई है कि भाई वैक्सीनेशन हमें बहुत एग्रेसिवली 18 से 44 की करना है, लेकिन उसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव अभी आरोग्य विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग लेके जा रहा है और उस पर पूरी तरह से चर्चा होगी और उस पर डिसीजन अमल होगा कि सही में इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए देना सिर्फ ज़रूरी है, मध्यम वर्ग के लिए देना ज़रूरी है, या एफ्लुएंट क्लास जैसा बोलते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम हमारे वैक्सीन हमारे तरफ से खुद करेंगे। मुझे लगता है कि ये सभी जो मुद्दे हैं वो बहुत डिटेल में कैबिनेट में चर्चा होकर उसकी अंतिम पॉलिसी तय होगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को टीका दिया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। 5,71,00,000 लोगों की संख्या है। 18 से 44 तक के 12 करोड़ डोज की जागरूकता होगी। राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में वैक्सीन मुफ्त देना है या उसके लिए कैटेगरी बनानी है, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसका फैसला सीएम ही लेंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लिए वैक्सीन उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने सीरम भारत बायोटेक को खत लिखा है, 2 दिन हो गए लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। राजेश टोपे ने कहा कि 1 मई को वैक्सीन जरूरत के अनुसार उपलब्ध होना जरूरी है, तभी वैक्सीन देना संभव होगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एक ही दिन में वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा, इस पर भी अभी संदेह है, कई राज्य अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कई सवाल और दिक्कतें हैं। कोविन ऐप में नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में वैक्सीन की जरूरत के अनुसार उपलब्धता पर पूरा भरोसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीन को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होकर फैसला होगा। सबको मुफ्त दिया तो लगभग 7,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर और एफ्लुएंट वर्ग के लोगों को मुफ्त डोज देने के बजाय मिनिमम रेट में देने के पक्ष में है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, PCN News, नागपुर।